प्लेग जो बीमारी है यह वर्ल्ड वाइड बीमारी है, संसार में होने वाला बीमारी है, और यह बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। और जो कोई कारक से जो बीमारी होती है ना, वो ज़्यादा घातक होता है। बस इस बात को मान लीजिए, जो कारक के द्वारा जो बीमारी होती है वो ज़्यादा घातक होता है, और इसका जो कारक है वो बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया में भी कौन बैक्टीरिया, प्लेग किस बैक्टीरिया के द्वारा हो रही है, तो यहाँ जानेंगे कि जो प्लेग जैसी बीमारी है वो बीमारी को एक और नाम है, ब्लैक डेथ। नाम ही नाम है, आप ब्लैक डेथ के नाम से जानो या फिर प्लेग के नाम से जानिए। तो प्लेग के नाम से या ब्लैक डेथ के नाम से जानेंगे तो सिम्टम्स भी वही होगी, बीमारी भी वही होगी, नाम तो अलग अलग है। और इस बीमारी के बारे में जानकारी, इस बीमारी के बारे में जानकारी किसने दिया है, अलेक्जेंडर एयरसिन ने। अलेक्जेंडर एयरसिन ने, और कब दिए वो जानकारी, 1894 ईस्वी, याद रहे आप लोग को। अलेक्जेंडर एयरसिन ने ब्लैक डेथ की जानकारी 1894 ईस्वी में दिए। क्या उनका जरूरत था जानकारी देना, सबसे ज़्यादा उन्हीं को दिक्कत थी, ज़्यादा डर उन्हीं को था प्लेग से, नहीं। मानचित्र पर जो सबसे अलग होते हैं वही छाते हैं, तो मानचित्र पर इनको आना था। और मानचित्र करने का मतलब कि संसार में जहाँ भी प्लेग की बात होती है तो अलेक्जेंडर एयरसिन का नाम आ जाता है सामने। आप भी पढ़ो, आप भी मेहनत करो और आप भी आगे बढ़ जाओ, तो इसलिए मेहनत करने की ज़रूरत है। और इन्होंने क्या बताया, पूछा जाए कि अलेक्जेंडर एयरसिन जी, आप जब फर्स्ट टाइम देखे, जब फर्स्ट टाइम आपको इस चीज़ की जानकारी मिली कि कुछ है संसार में बीमारी का रूप है जो लोग को परेशान कर रहा है, तो आप उसे विस्तार से बताइए कि आपने क्या देखा। इन्होंने कहा कि हमने क्या देखे, हमने देखा यही, ये बेचारे कर क्या रहे थे, ये जब देखे कि हमारे आसपास में, इनके आसपास में पेड़ पौधे भी था, इनके आसपास में फसल का क्षेत्र भी था जहाँ फसल उगाई जाती थी, और पेड़ पौधे जो फल देते थे, तो पेड़ पौधे पर जो फल लगते हैं उस पर आप देखे होंगे, गिलहरी को देखे हैं ना, गिलहरी को, गिलहरी जो होता है वो फलों पर आकर्षित होते रहता है, और बचपना में खास करके बच्चे लोग फल और अमरूद की बात कर रहे हैं, जहाँ पर अमरूद रहता है वो गिर जाए पेड़ों से और खाया हुआ रहे, किसी को भी खाया रहे, कोई छोटा बच्चा भी उसको काट के बीक देना, दो दिन बाद दूसरा कोई जाएगा तो गुलगुलाल रहेगा, तो समझे कि पकल है, पकल है, तो कौची पकल है, अमरूद पकल है, तो उसको पकल समझ के खाता है। और यदि बगल वाला उसको भड़काएगा तो कहेगा, जानते हैं क्या चीज़ है, कि तोता के खाया है या फिर गिलहरी का खाया है, उसको लगा कि तोता या गिलहरी का खाया है, और खाया तो कोई इंसान नहीं खाया था, जो बीक दिया था खा कर तो गुलगुला गया, लेकिन वास्तव में गिलहरी का खाया हुआ यदि फल है तो आप सावधान रहें। आपके घर में चूहा यदि आता जाता है तो चूहा से सावधान रहें, क्योंकि प्लेग जो बीमारी है ना, चूहा और गिलहरी को होने वाला ये बीमारी है, किंतु इसमें बीच में आदमी भी बेचारा आ जाता है। वो कैसे आ जाता है, अभी हम बताएं कि पेड़ों पर फल लगता है, फल किसी जीव का खाया हुआ रहता है, या फिर घर में चूहा आते हैं और वो चूहा आपके घर के भोजन या होट पोट में रखा हुआ रोटी को खींच कर ले जाता है, या फिर वो वहाँ मल मूत्र छोड़ देता है, क्योंकि बताया गया है कि इसका जो, इस बीमारी का जो वाहक हैं वो रोडेंट्स के, चूहा गिलहरी के मल द्वारा बाहर निकलते रहता है, मूत्र द्वारा बाहर निकलते रहता है, या वो जब खाता है तो उसके लार से भी इस प्रकार के जीवाणु निकलते रहते हैं। अब बताइए, रोटी को खा जाए और रोटी में उसका लार आ गया है, और वो छोटा बच्चा को दे दीजिए, नमक रगड़ के घास के दे दीजिए, खा लेगा। अरे भाई, बच्चा को जन्म दिया है तो उसको पोषण भी तेरा काम है, माँ बाप का काम इतना ही नहीं है कि बच्चा को जन्म दे दीजिए और रोड पर उन्हें भगा दीजिए कि जाओ उधर, नहीं, आपको काम है उसको अपनी निगरानी में खिलाना, आप अपनी निगरानी में उस बच्चे को रखिए, कपड़े लत्ता स्वच्छ रखिए, तब जा कर के बच्चा बेहतर बनेगा। इसी जन्म दे दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, आइए इधर बढ़िए। तो कहने का मतलब है कि चूहा
और कौन, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हूँ, इसका जो इन्फेक्शन होती है वो चूहा और गिलहरी के माध्यम से होती है। तो चूहा और गिलहरी का जो आंत होता है ना, अमाशय, चूहा को कहिए गिलहरी का कहिए, उसकी अमाशय में पेट में बतावें नन मोटाइल, ना चलने वाला ऐसा ही जीवाणु है जो चलनशील नहीं है। अब मोटाइल मैंने मोटा मत समझ जाना है कि नन मोटाइल मैंने ना मोटाइल, ना मोटाइल मतलब चलनशील जो बढ़ता है, और नन मोटाइल मतलब स्थिर जो बढ़ता नहीं। अब बढ़ने का मतलब अपना संख्या में नहीं, मैंने वो अपने स्थान से स्वयं नहीं चलकर जाएगा, किसी के द्वारा जाएगा। तो किसी के द्वारा जाएगा तो नन मोटाइल, और स्वयं चला जाता तो मोटाइल, और किसी के द्वारा जाएगा तो नन मोटाइल। अब इसको समझ जाइए, कोई वस्तु को आप रख दीजिए तो आपको उठा के ले जाना पड़ेगा ना, तो वस्तु अस्थिर है तो वो नन मोटाइल है। और किसी जीव को रख दीजिए, कीड़ा को रख दीजिए, हाँ चल के आगे चल जाएगा तो मोटाइल है। तो चलता है स्वयं तो मोटाइल, और न चलता है तो नन मोटाइल। समझ में आया? तो इसी समझिए, तो इस बीमारी का जो वाहक है वह किसी जीव के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाता है, स्वयं नहीं जाता है, इसलिए इसका नाम है नन मोटाइल। क्या नाम है? नन मोटाइल। और इसका जो फैक्टर है पास्टेयुरेला पेस्टिस या अर्सिनिया पेस्टिस या पास्टेयुरेला पेस्टिस, तो पास्टेयुरेला पेस्टिस या अर्सिनिया पेस्टिस के द्वारा जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम क्या है? प्लेग। तो प्लेग जैसे बीमारी पास्टेयुरेला पेस्टिस या अर्सिनिया पेस्टिस से होता है, और इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, और यदि किसी व्यक्ति में इसकी एंट्री होगी, किसी व्यक्ति में यदि इस प्रकार का बैक्टीरिया एंट्री हो गया तो ज़्यादा दिन टाइम नहीं लेता है, देखिए 2 से 6 दिन में ही अपना लक्षण लाने लगता है, मात्र 2 से 6 दिनों में अपना लक्षण ले आता है, इसलिए इसका आईपी हुआ 2 से 6 दिन। इन्फेक्शन किसके द्वारा? चूहा और गिलहरी द्वारा। इसको कैसे जानेंगे? यहाँ देखिए, चूहा है और उस चूहा के अंदर अमाशय में, चूहा के अमाशय में तैयार हो चुका है बैक्टीरिया कौन? पास्टेयुरेला पेस्टिस या अर्सिनिया पेस्टिस। अब उसको पिशुओं ने काटता है, छोटे छोटे कीट जो होते हैं ना, वो कीट काटता है उसके शरीर को, तो उसको काटता है या फिर मलमूत्र त्याग करता है, तो अपने मलमूत्र से भी इस प्रकार के बैक्टीरिया को बाहर निकाल देगा। अब मतलब अब समझिए इसको, अब छाजी पर रहे चढ़ल और आप नीचे रहिए और छाजी पर से टॉयलेट कर दे, तो ऐसे में नहीं, टॉयलेट कर दे और भोजन पर चला जाए, भोजन प्रभावित हो जाए, उसको इंसान खा जाए तब होगा, ठीक न? हाँ, अब चूहा कोई पकड़ के ले जाए थे वहाँ पर सुसु कर दे तब हो जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा, भोजन पर आपके अंदर जाएगा तब होगा, जितना न डरिए। तो अब बताइए, चूहा और चूहा को छोटे छोटे कीट ने, और छोटे छोटे कीट ने फिर चूहा को काटा, तो इस चूहा से इन्फेक्शन इस चूहा में हुआ। जैसे मानिए इसको मान लें कि निमोनिया है, और निमोनिया वाला वाहक इसके द्वारा इसमें गया तो इसको भी निमोनिया हो गया, और फिर इसको कोई, अब मान लें कि इसको फिर अभी कैसे होगा इसको समझिए, चूहा पिशुओं छोटे छोटे कीट और छोटे छोटे कीट इस चूहा को ले गया, इस चूहा को तो ये चूहा डाई हो जाएगा, डाई मैंने मर गया। अब मर गया तो अब मरने के बाद ये खोजेगा पास्टेयुरेला पेस्टिस कि आय मैं तो अब क्या होगा, मैं तो भी मर जाऊँगा। क्यों मर जाऊँगा? क्योंकि मैं जिसके अंदर हूँ वो मर गया। तो फर्स्ट से क्या होता है कि जो मरा हुआ जीव होता उसमें से उस पर भी छोटे छोटे कीट बैठते हैं, और वो कीट के आसपास कोई इंसान होता है, देखिए मैन, ये इंसान के अंदर होने वाला डिजीज नहीं है, डिजीज ऐसे हुआ कि ये मैन के अंदर गया, और मैन के अंदर में जब डिजीज आता है तो यहाँ रैट के द्वारा इन्फेक्शन हो रही है, और यहाँ से फिर जैसे ही चला जाता है तो जैसे ही उसके अंदर गया मैन के अंदर मैन प्रभावित, वो कैसे? तो यहाँ चूहा से कीट, कीट से फिर चूहा में गया, चूहा मर गया, फिर मरा हुआ शरीर में ये नहीं रहेगा, तो वहाँ से उसका जो फैक्टर है, जो उसका बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया कीट के द्वारा उठेगा, मनुष्य में जाएगा, और जो मनुष्य है वो इसके चपेट में आ जाएगा, और मनुष्य जब उसके चपेट में आ जाएगा तो मनुष्य में आ जाएगा बीमारी का लक्षण, क्या चीज़ का? प्लेग का। और तब मनुष्य में जाएगा तो मनुष्य में ये बीमारी जैसे ही एंट्री मारेगा तब ये बीमारी एक प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के होगा। वो 3 प्रकार के क्या है? व्यूवेनिक। तो व्यूवेनिक
ब्यूवेनिक प्लेग। अब ब्यूवेनिक प्लेग क्या है इसको समझ जाइए। ये मान लीजिए कि ये आदमी है और ये आदमी का ही पजामा पहनने वाला अंग है। अभी पजामा पहनेगा तो अंदर वाला ही देख रहे हैं जो जांग है, जहाँ पर जनन अंग है, जनन देने वाला अंग है। अब जनन देने वाला अंग प्रभावित हो जाएगा, उस पर फोका फोका निकल जाएगा, वो बेचारा खुजला देगा, खखोर देगा तो बिग देगा पंछा, और उस पंछा के संपर्क में अगल बगल का एरिया आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको भी ध्यान रखिए, ये जो आप पैंट पहनते हैं ना, वो पैंट के अंदर वाला जो हिस्सा है ना, ये जननांग है। इस जगह यदि प्रभावित हुआ, वो कैसे हुआ, तो सबसे पहले इस आदमी के ब्लड में गया और ब्लड से आया लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड कई बार मैंने बताया हूँ, पीछे का और आगे का रिवर्स करके देखते रहिएगा वीडियो। तो ब्लड में आया, ब्लड से आया लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड से आ गया इसका इंटरनल पोर्शन पेल्विक भाग में, जहाँ पेल्विक भाग नीचे वाला कमर के नीचे वाला भाग, पेल्विक भाग में आ गया। और पेल्विक भाग चूंकि ढका रहता है कपड़ा से, और उसमें फोका फोका निकलेगा, फुलौड़ा निकलेगा, और उसको क्या करोगे कि खखोल दोगे, तो खखोलोगे तब फट जाएगा, फटेगा तब पंछा निकल जाएगी। तो इस प्रकार के जो प्लेग होगा उस प्लेग का नाम होगा ब्यूवेनिक प्लेग। दूसरा है न्यूमेनिक, जब ये फेफड़ा में इसका इन्फेक्शन आ जाती है, जब आदमी को फेफड़ा प्रभावित हो जाती है, तो जब फेफड़ा में इसका जब इन्फेक्शन आ जाती है, तो फेफड़ा में जब इसका इन्फेक्शन आ गया, तो फेफड़ा में होने वाले ऐसे इन्फेक्शन को न्यूमोनिक प्लेग कहते हैं। न्यूमोनिक, तो न्यूमोनिक प्लेग एक ऐसा प्लेग है जो फेफड़ा में प्रभाव पड़ता है, और फेफड़ा में प्रभाव से उनकी श्वसन क्रिया बाधित हो जाती है। तो जब व्यक्ति का फेफड़ा में प्रॉब्लम आता है, तो ऐसे प्लेग को न्यूमोनिक प्लेग कहते हैं। और उसके बाद सेप्टिसेमिक प्लेग क्या होती है कि जब इस प्रकार का पास्टुरेला पेस्टिस या अर्सिनिया पेस्टिस ब्लड में ही रह जाता है, ब्लड में ही उसको देख लिया गया, उन ब्लड तक ही आकर स्टे हो जाता है, तो सेप्टिसेमिक प्लेग कहलाता है। कुछ कहलाता है सेप्टिसेमिक। फिर से रिवीजन करना चाहेंगे, जब जननांगों में, जनन देने वाले अंगों में हो तो ब्यूवेनिक, जब फेफड़ा में आए तो न्यूमोनिक, और जब ब्लड में रह जाए तो सेप्टिसेमिक। याद हुआ? इसके बाद देखिएगा इसका सिम्टम्स क्या है, लक्षण। इसकी लक्षण की जब बात करेंगे तो इसमें हाई फीवर रहती है, इसमें हाई फीवर उच्च बुखार, मतलब तेज बुखार रहता है, तेज बुखार। उच्च बुखार का मतलब 2-4 फीट ना तेज, मतलब 100 डिग्री से भी समथिंग फारेनहाइट में, सेल्सियस में मार दीजिएगा, लहरा दीजिएगा, सेल्सियस में पूछते रहते हैं, फारेनहाइट में उच्च बुखार रहता है। और गर्दन और टांग में गिल्टियाँ निकल जाती है, नेक माने गर्दन, लेग माने पैर में गिल्टी निकल जाती है, गिल्टी। उसके बाद डिस्ट्रॉय आरबीसी, शरीर में आरबीसी बर्बाद होने लगता है। अब कहो कि कैसे पता चले, तो कमजोरी होगा तो ना पता चलेगा, सीढ़ी चढ़िएगा तो थक जाइएगा, ऐसे ऐसे जितना भी चढ़ान पर चढ़िए ना थक ही जाइएगा। हाँ, तो आरबीसी इसमें क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब इसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उपचार कैसे करेंगे, इसको जानेंगे ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर रोकथाम के लिए। तो इसमें कहता है कि प्लेग वैक्सीन लगाइए, प्लेग वैक्सीन जब लगाएंगे तो बीमारी से बचिएगा। और यदि दवा का नाम जानना चाहते हैं, टेट्रासाइक्लिन एंड एस्टेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एस्टेप्टोमाइसिन, जैसे दवा का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा बीमारी होने पर, प्लेग होने पर, यह वर्ल्ड वाइड बीमारी है जो दुनिया के कई देश इसके चपेट में आए, यूरोप भी चपेट में आया, और कई लोगों को लाखों में, हजारों में नहीं, लाखों में लोग जान गई है इस बीमारी से। इसलिए इस बीमारी से आप लोग को निजात पाना चाहते हैं तो इन्फेक्शन से बचिए, और घर में चूहा गिलहरी से बचिए, ना तो दिक्कत हो जाएगी, और अनाज वगैरह भी रखिए तो चूहा गिलहरी से बचा के, ठीक है? धन्यवाद, रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।